हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेंचर्स आईक्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल की डेफिनेशन पे बात की थी, ए और एन के डिफरेंसेस देखे थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है यूसेज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के क्या यूज हैं, उसके क्या यूजेस हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला यूज क्या है। पहला जो यूज है हमारे सामने वो है इन द प्लेस ऑफ वन, एक के स्थान पर। इन द प्लेस ऑफ वन, एक के स्थान पर। जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल ए और एन का जो शाब्दिक अर्थ है वो कहीं ना कहीं एक से होता है। तो पहला यूज यही है जो बेसिक हमारा डेफिनेशन था कि इसका अर्थ इन द प्लेस ऑफ वन, एक के स्थान पर। एक के स्थान पे हम कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं। आई हैव अ कार, आई हैव अ ब्लू शर्ट, I saw a man। First example, I have a car, मेरे पास एक कार है। I have a blue shirt, मेरे पास एक blue shirt है। I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा। I met dash girl yesterday, आर्टिकल ए। अब एक्चुअल में अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आपको कोई ना कोई आर्टिकल यूज करना ही पड़ेगा। फर्स्ट जो पॉइंट हम देख रहे हैं इन द प्लेस ऑफ वन, एक के स्थान पर। आप कहेंगे सर यहां पे वन का क्या रोल है, तो एक्चुअल में जो सेंटेंस का सेंस निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं वन से है, एक से है। अब आपका क्वेश्चन रहेगा क्या सर हम इसकी जगह वन का प्रयोग कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं। टेक्निकली सेंटेंस तो सही है, गलत तो नहीं है। आई हैव वन कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आर्टिकल ए एंड द और क्रॉस आपको ऑप्शन में मिलता है, वन ऑप्शन में नहीं मिलता। फिर आप कहेंगे सर दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस हुए कि हम आई हैव अ कार लिखें और आई हैव वन कार लिखें। अगर आप लिखते हैं आई हैव वन कार, तो इस सेंटेंस का जो सेंस निकल के आता है आई हैव वन कार, मेरे पास एक कार है। अब एक्चुअल में वन कोई आर्टिकल तो नहीं है, वन कोई आर्टिकल तो नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं काउंटिंग है, ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। आई हैव वन कार, मेरे पास एक ही कार है, दूसरी कार नहीं है। और आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो शायद मेरे पास हो सकता है दूसरी कार भी हो। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, आई हैव अ कार। तो ये फर्स्ट यूज हमने देखा इन द प्लेस ऑफ वन, एक के स्थान पर हम किस तरीके से आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल में कोट करता हूं, आप देखिएगा कि आर्टिकल लगाने से और नहीं लगाने से कितना फर्क पड़ता है। ये दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। दोनों एग्जाम्पल्स को आप देखिए, दोनों में एक डिफरेंस है, यहां पे आर्टिकल ए लगा है और इधर आर्टिकल ए नहीं लगा है, बाकी दोनों सेंटेंसेस सेम है। एक डिफरेंस है दोनों में, यहां पे आर्टिकल लगाया है और यहां आर्टिकल नहीं लगाया। तो आर्टिकल लगाने और नहीं लगाने से कितना फर्क है, सेंटेंस टेक्निकली दोनों सही हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, हाउ मेनी कैट्स आई हैव, आई हैव टू कैट्स,
मेरे पास दो बिल्ली हैं जिसमें एक का कलर ब्लैक है और दूसरी का कलर व्हाइट है. ये देखिए, आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट. सेकंड एग्जांपल कह रहा है आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट. ये आर्टिकल इस पूरे पार्ट को डिनोट कर रहा है, इस पूरे पार्ट को क्वालिफाई कर रहा है. मेरे पास एक ही बिल्ली है, उसी के दो कलर हैं, ब्लैक एंड व्हाइट. तो आर्टिकल लगाने से और नहीं लगाने से सेंटेंस में कितना डिफरेंस आ जाता है, सेंटेंस के अर्थ बदल जाते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, वो कह रहा है इन द प्लेस ऑफ पर, इन द प्लेस ऑफ पर, प्रति के स्थान पर, प्रति, प्रति किलो, प्रति लीटर, प्रति मीटर, ठीक है. तो इन द प्लेस ऑफ पर, अगर सेंटेंस में कहीं प्रति का सेंस आ रहा है और सेंटेंस में आगे आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, तो आप उसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं. देखते हैं हम. She was driving the car. वो कार चला रही थी at the speed of 120 किलोमीटर dash r. वो कार चला रही थी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से. अब आप चाहें तो यहां पर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम जब आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो इन द प्लेस ऑफ पर हम आर्टिकल ए और एन को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. I bought mangoes at rupees 50 a kilo. मैंने आम खरीदे, क्या भाव से आम खरीदे? 50 रुपए प्रति किलो के भाव से. I bought mangoes at rupees 50 a kilo. तो यहां पे प्रति का सेंस दे रहा है, तो यहां पे भी आप आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी सूटेबल है. ओके, तो ये हमारा सेकंड यूज हुआ कि प्रति के स्थान पर, पर के, पर की जगह आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. ये कुछ वर्ड्स हमारे सामने हैं, कुछ नाउन हमारे सामने हैं, कुछ स्पेसिफिक यूज हैं, कुछ स्पेशल यूज है. उसमें हम देखते हैं कि हम इनके साथ किस तरीके से आर्टिकल का यूज करेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, आई हैव डैश हेडेक. अब आप कहेंगे सर हेडेक का मतलब सर दर्द, और ये तो अनकाउंटेबल नाउन है. ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको तो हम गिन नहीं सकते. लेकिन इंग्लिश में जब आप इस तरीके का सेंटेंस को यूज करेंगे तो आपको आर्टिकल ए और एन को यहां पे प्लेस करना पड़ेगा. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्पेशल यूज है. देर आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स वेयर वी यूज आर्टिकल ए और एन. शी हैड डैश सिवर टूथ एक. उसको बहुत ज्यादा दांतों में दर्द था. आर्टिकल ए, ये यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. नाउन हमारा टूथ है, के टूथ एक कैसा था, दर्द कैसा था, सिवियर था. आर्टिकल यूज हुआ है ए टूथ एक के लिए. आई हैव स्टमक एक.
मेरे को पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एट आर्टिकल ए। लेकिन दोस्तों एक और वर्ड हमारे सामने है बॉडी एक। इस तरीके का एग्जाम्पल, इस तरीके क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और स्टूडेंट क्या सोचता है कि हेडेक, टूथएक, स्टमक एक, उसी तरह बॉडी एक, तो बॉडी एक के साथ भी आर्टिकल ए लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, और बॉडी एक के साथ में कोई आर्टिकल हमें यूज नहीं करना। बॉडी के किसी पार्ट में अगर दर्द है तब आप आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। तो यहां पे तो हम पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पॉसिबल नहीं है कि हम आर्टिकल ए और एन का यूज करें। उसके अलावा एक और फ्रेज हमारे सामने है, देखते हैं। हरी मतलब जल्दबाजी, तो शी इज इन हरी। अगर आप सेंटेंस को इस तरीके से लिखते हैं और आर्टिकल यूज नहीं करते हैं तो सेंटेंस टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा शी इज इन अ हरी, वह जल्दबाजी में है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो एक जल्दबाजी में है, हिंदी अनुवाद ऐसे ही निकलेगा, शी इज इन अ हरी, वह जल्दबाजी में है। ओके, तो ये एक स्पेशल यूज हमने देखा कि यहां पर हम कुछ स्पेसिफिक नाउन के साथ किस तरीके से आर्टिकल ए को यूज, ए और एन को यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, शायद आपने कभी देखा हो नहीं देखा हो, तो चलिए इस पे बात करते हैं कि कुछ वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं, वॉक, टॉक, लाफ, स्माइल और फाइट। ठीक है, तो दोस्तों पहले वर्ड पे हम बात करते हैं वॉक। वॉक का हिंदी अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे सर चलना, और मैं आपसे पूछूं ये वर्ब है या नाउन है, तो आप बोलेंगे सर ये तो वर्ब है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप डिक्शनरी को रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉक एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। अच्छे से समझिएगा बात को। देखो वापस अगला वर्ड देखिए और अच्छे से समझ आएगा, टॉक। हिंदी में अगर हम बात करें तो बातचीत और बात करना, इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड है। अगर आप बातचीत बोलते हैं तो भी टॉक वर्ड आपको यूज करना है, और बात करना बोलते हैं तो भी आपको टॉक ही वर्ड यूज करना है। तो टॉक एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें क्या करना है, किस तरीके से इनको यूज करना है। ठीक है, जैसे लाफ, हंसी और हंसना। हंसी, आप अगर मैं पूछूं हंसी क्या है तो आप कहेंगे सर हंसी तो एक नाउन है, एक संज्ञा है, और हंसना एक क्रिया है। उसी तरह स्माइल, स्माइल क्या है? स्माइल मुस्कुराना, मुस्कुराना और मुस्कुराहट, मुस्कुराना एक वर्ब है और मुस्कुराहट एक नाउन है। ठीक है, फाइट लड़ाई, झगड़ा, लड़ना एक वर्ब है और लड़ाई एक नाउन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरीके से हम आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बात कहना चाहूंगा कि एक स्पेशल यूज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो ये जो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अगर ये सारे वर्ड्स, अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में नाउन बन के आए, वापस समझिएगा बात को, अगर इनमें से कोई वर्ड किसी सेंटेंस में नाउन बन के आए तो आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। ठीक है, अब सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अगर इनमें से कोई वर्ड नाउन बन के आए तो आर्टिकल ए और एन यूज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि ये नाउन के अलावा भी काम आए, बिल्कुल ये वर्ब्स की तरह भी काम आते हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि अगर इनमें से कोई वर्ड नाउन बन के आए तो हमें आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। चलिए एग्जांपल के थ्रू इनको समझते हैं।
आई वॉन्ट टू सी, एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू सी डैश स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि नाउन है कि नहीं। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये नाउन है कि वर्ब है, तो सेंटेंस को देखिए आप, सेंटेंस में वर्ब क्या है। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि टू सी जो है वो मैन वर्ब है, ये मैन वर्ब नहीं है, यहां पे टू इंफिनिटिव की तरह यूज हुआ है। मैन वर्ब क्या है? वांट। तो जब सेंटेंस में हमारे पास आई सब्जेक्ट है और मैन वर्ब वांट है, तो बचा जो स्माइल है वो क्या हुआ? ये नाउन हुआ। और जैसे ही नाउन आया मैंने आर्टिकल ए को यहां पे प्लेस कर दिया। तो सेंटेंस का अर्थ क्या निकला? आई वॉन्ट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस, मैं तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस, मैं तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी ऑलवेज स्माइल्स एट मी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि स्माइल जो यहां पे यूज हुआ है वो वर्ब है कि नाउन है? तो सेंटेंस में देखिए आप, अगर आप बाई चांस गलती करते हैं, इसको नाउन मान लेते हैं, बाई चांस कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये नाउन है, तो फिर मेरा क्वेश्चन होगा अगर ये नाउन है तो वर्ब क्या है? तो वर्ब आपको दिख नहीं रही है, और बिना वर्ब के तो सेंटेंस होता नहीं, इसका मतलब यही हमारा मैन वर्ब है। जो डूअर ऑफ द एक्शन है, सब्जेक्ट जो है वो इसी पे काम कर रहा है, यही मैन वर्ब है। और मैन वर्ब से पहले तो कभी आर्टिकल यूज होता नहीं है। हम ये बात पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिकल की पूरी दुनिया नाउन के इर्द गिर्द घूमेगी, नो नाउन नो आर्टिकल। तो वी कांट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर अ वर्ब, वी ऑलवेज यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ओके, तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ड डैश लाफ फ्रॉम योर ऑफिस, मैंने तुम्हारे ऑफिस से एक हंसी की आवाज सुनी, एक ठहाके की आवाज सुनी। तो मैन वर्ब तो हुआ हमारा हर्ड, H-E-A-R-D here का सेकेंड फॉर्म आई हर्ड अ लाफ, तो ये जो बचा वो हमारा हुआ नाउन। और जब नाउन की तरह इनमें से कोई भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज होता है तो उससे पहले आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना होता है। देखिए टॉक पे हम एग्जाम्पल बनाते हैं। I want to have dash talk with your father. अब इसमें हम मैन वर्ब को आइडेंटिफाई करें तो मैन वर्ब क्या है? अगेन देखिए टू इंफिनिटिव है, ये कभी मैन वर्ब नहीं हो सकता। जो डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है वो किस पे काम कर रहा है? Want, ठीक है, सब्जेक्ट के करीब। I want to have a talk, तो यहां पे जो talk यूज हुआ है वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है। और जब भी ये वर्ड्स अगर नाउन की तरह यूज होते हैं तो हम उनसे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। ओके, चलिए साहब एक और एक फाइट वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, आई सॉ अ फाइट यस्टरडे, आप कहें कि कल मैंने एक लड़ाई देखी, आपका फ्रेंड कहता है कि कल मैंने दो लड़ाई देखी, दो झगड़े देखे, ठीक है, तो इसको हम गिन सकते हैं। I saw a fight yesterday, कल मैंने एक लड़ाई देखी, क्योंकि यहां पे मैन वर्ब तो हमारा saw है जो कि सी का सेकंड फॉर्म है, और यहां पे फाइट हमारा नाउन हुआ, और जैसे ही नाउन आया मैंने यहां पे आर्टिकल ए को प्लेस कर दिया। इसको आप चाहें तो मैन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं।
They fight with their friends. वे अपने दोस्तों के साथ लड़ते हैं. तो यहां पे फाइट देखिए मैन वर्ब है ना, मैन वर्ब है, नाउन तो नहीं है. और जब मैन वर्ब है तो उसके साथ तो आर्टिकल कैसे यूज कर पाएंगे. तो इस तरीके से हमने देखा वॉक, टॉक, लाफ, स्माइल, फाइट, और भी कुछ नाउन मिल जाएंगे. सरप्राइज के साथ भी यूज किया जा सकता है, सिट के साथ भी यूज किया जा सकता है, हैव अ सिट, इसके साथ भी हम आर्टिकल ए को यूज कर सकते हैं. आर्टिकल ए और एन का नेक्स्ट यूज हम देखते हैं. कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हमारे सामने हैं, उनके साथ हम आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं. आगे और हम इन चीजों को देखें कि डिटरमिनर के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कहीं ना कहीं ये चीजें टच कर जाएगी. तो मैनी, रैदर, क्वाइट, सच, विथ और विदाउट, अगर इनके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, अगर इन वर्ड्स के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो आपको आर्टिकल ए का यूज करना है. तो मैनी अ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर, मैनी अ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर. इट इज रादर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज रादर अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. ही कैम विथ अ कार, ही कैम विथ अ कार. तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इनके साथ, अगर आप सिंगुलर नाउन को देखते हैं तो आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. एक और एग्जाम्पल देखें, विदाउट. He looked at me with a smile. उसने मेरी तरफ देखा एक मुस्कुराहट के साथ. But I scolded him without a reason. लेकिन मैंने क्या किया? But I scolded him without a reason. मैंने उसको बिना किसी वजह scold किया, डांटा. तो actual में यहाँ पे जो article a sense दे रहा है वो कहीं ना कहीं any का sense दे रहा है. Okay? तो ये एक और हमारा यूज हुआ, सिंपल सा है. इन वर्ड्स को आप ध्यान रखें, इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आता है तो हम उसको देखेंगे डिटरमिनर के केस में. मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आता है लेकिन मैनी के बाद जब आर्टिकल ए लग जाए तो मैनी अ, उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज होता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी वहां पे सिंगुलर होता है. इसीलिए हमने उस सेंटेंस में मैनी अ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द सेमिनार. चलिए खैर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. For describing something or someone, किसी को भी आप describe करें, किसी के बारे में कुछ बताएं, singular countable noun है तो उससे पहले आपको article a और n का use करना होता. बहुत छोटे छोटे example हम लाइफ, हम हमारी routine life में देखते हैं. देखिए, there is a table, there is a table, आपने table के बारे में बताया, there is a table. She is a dedicated teacher. She is a dedicated teacher. वो एक dedicated teacher है. और देखिए, My father is an engineer. मेरे पिताजी एक
इंजीनियर हैं, तो आपने पिताजी के बारे में बताया कि वो क्या है, तो फॉर डिस्क्राइबिंग समथिंग और समवन, शर्त वही है, नाउन शुड बी सिंगुलर काउंटेबल। नेक्स्ट यूज देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किस तरीके से हम आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में आप विस्मयादिबोधक सेंटेंस कहते हैं, तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आप पहचानेंगे कैसे? लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा, वेरी सिंपल। तो व्हाट वंडरफुल शॉट, कमेंट्री में आपने सुना होगा व्हाट अ वंडरफुल शॉट। अब यहां पे व्हाट का मतलब क्या नहीं है, है ना? तो व्हाट अ वंडरफुल शॉट, कितना वंडरफुल शॉट है, सच अ ब्यूटीफुल बर्ड। एक बर्ड बैठी और आप उसको देख के कहते हैं such a beautiful bird, exclamatory sentence. What an amazing place, कितना amazing place है। तो ये हमने article A और N के use देखे, कि सबसे पहले हमने देखा उसका definition क्या है, उन दोनों में differences क्या है। अब आगे हम article दर पे बात करेंगे, zero article पे बात करेंगे। अब benchers IQ के साथ बने रहें, next video में हम article दर को discuss करेंगे, basic level से लेके advanced level तक, किस किस तरीके से article दर use होता है, आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।